तो गाइस सुबह सुबह सीधा प्रसारण है प्रतिमा की किचन से। आज मैं लंच में बना रही हूँ राजमा, जो कि मैंने बॉईल करके रख दिए थे, रात को भिगो के रख दिए थे, और यहाँ पे वो बॉईल हो रहा है दूध, क्योंकि अब अंजलि चली गई है। सो ये बन गए हैं राजमा, और मैंने राइस भी बनाए दिए। मैंने सोचा दिन को जब आऊँगी सिर्फ लंच करने आऊँगी, नहीं तो टाइम लग जाएगा राइस बनाते हुए, क्योंकि मैं लेट ही आती हूँ, वैसे टाइम आउट हो जाता लंच का। राइस भी बनने वाले हैं। हेलो एवरीवन, सो सुबह के बज रहे हैं 10:10 और मैं रेडी हो गई हूँ। ऐसी बात करती हूँ, सुबह जब अंजलि गई तो मैं सो गई थी, बट मेरी आंखों में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही, मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद फिर मेरे को बड़ी मुश्किल से नींद आई, फिर मम्मी का कॉल आया, फिर मम्मी से बात करी 1.5 आवर, और फिर उसके बाद मैंने सोचा क्या नहीं मैं सोऊंगी, फिर मैंने वही अपने लंच का प्रिपरेशन कर लिया, मतलब बना ही दिया है। सो अभी चलते हैं, अभी मेरा ऑफिस भी है, अभी एक मीटिंग के बाद फिर मैं चाहूँगी, यहाँ पे पास में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे अपनी आई चेकअप करवाऊँगी। सो गाइज अभी 11:15 हो गए हैं, और मैंने कैफे ओपन कर लिया काफ़ी टाइम पहले ही, गोपी भी आ गए, और मैं जा रही हूँ यही JPI हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे मैं चेकअप करवा के आ रहा हूँ। पहुँच चुकी हूँ, धूप तेज़ है, और मेरा ना दो बार पाँव मुड़ रहा है, इधर मैंने शूज पहने, पता नहीं क्यों, शायद मैं अजीब तरह से चल रही हूँ। हॉस्पिटल। सो टाइम हो गया 12:30, और मेरे को काफ़ी टाइम लग गया, मुझे लगा 10-15 मिनट लगेंगे। और तो अपडेट ये है, डॉक्टर ने कहा कि ड्राइनेस हो गया आईज़ में, तो 3 बार तो आई ड्रॉप्स डाले हैं, अभी मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब मुझे ऐसे सड़क में तो दिख रहा है, बट मैं फ़ोन वगैरह कुछ नहीं दिख रहा, इसका असर रहेगा आई ड्रॉप्स डालिए। वो पहले तो उन्होंने ड्राइनेस चेक करा, उसके बाद कि नंबर वगैरह बढ़ा है, पहले कहा कि नहीं बढ़ा, अभी आई ड्रॉप्स के बाद चेक करते हैं, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा नंबर बढ़ा है, तो अब मुझे फिर से कल आना है नंबर को देखने के लिए कि कौन सा नंबर अभी होगा। सो अभी तो मतलब मेरी आँखों में मुझे नहीं पता कैसे दिख रही, मतलब मुझे कुछ नहीं दिख रहा फ़ोन में, बट ऐसे दिख रहा है, उन्होंने कहा कि ड्राइव नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा ही पास में, तभी मैं जा रही हूँ कैफे। यहाँ पे चल रही है लाइटिंग की तैयारी, ये 3 बंदे कर रहे हैं इसका काम, एक ऊपर देख लो, 3 नीचे, एक ऊपर चार दिवाली की लाइटिंग की तैयारी, देखते हैं शाम को दिखाऊंगी गाइस कैसे बना है, है ना। और मैं लाइट कल लेके आई बहुत सारी, और मुझे अब पता चला कि लास्ट ईयर की भी बहुत सारी बची हुई है, बहुत सारी, आधी उनमें से कुछ खराब है, आधी काम कर रही है, छोटा सरदार है ना, ये काम करवा रहा है ना जल्द। सो गाइज शाम के बज गए 4, और मैं अभी जस्ट घर पहुंचूं, लंच करने के लिए आई हूँ, राजमा राइस बनाया है वो खाऊंगी, और अब मेरी आंखें देखो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, क्योंकि आज तो उन्होंने जो ड्राइनेस है उसका भी टेस्ट करा, बहुत सारा टेस्ट करा, तो उसके कारण आई ड्रॉप्स भी डाले हुए हैं, और तो अभी मुझे थोड़ा फ़ोन में दिख रहा है हल्का हल्का, ऐसे मुझे प्रॉपर दिख रहा है, बट फ़ोन में अल्फ़ाबेट पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सो अभी थोड़ी देर में मैं खाना खा के थोड़ा 5-10 मिनट आधा घंटा रेस्ट करके फिर चले जाऊँगी, क्योंकि मैं ऑफिस का काम कर नहीं रही, आज दिख नहीं रहा कुछ भी, तो खाना खा लेती हूँ। राजमा ज़्यादा निकल गई, राइस थोड़े से खा लेते हैं। सो ये है हमारे कैफ़े की लाइटिंग जो हमने दिन को लगाई थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है वाइट साइड से, फिर ये मैंने लाइट ऐसे ऐसी रखी थी ना, कितना क्यूट लग रहा है। मैं पहुंच गई हूँ घर, अभी रात के बज रहे 11, और आज मुझे इवन थोड़ा जल्दी आना था, क्योंकि दिन को मैंने आज कुछ भी काम नहीं किया ऑफिस का, बिकॉज वो मुझे ब्लरी ब्लरी दिख रहा था, और पूरा दिन आज ऐसे ही निकला कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा था, बट वही आईज़ की वजह से। और सो अभी मेरे को जो भी काम है ऑफिस का अभी मुझे करना है वो, एंड तो मुझे जल्दी आना था, बट मैं लेट हो गई हूँ, और साथ ही साथ हमने आज कैफे में लाइटिंग भी लगा दी है, फिर मैंने देखा कि ड्रॉअर में ना लास्ट ईयर की इतनी सारी लाइट पड़ी हुई थी, फिर हमने मिक्स करके लगा दी, और कुछ एक लाइट मैं घर भी लेके आई जो मुझे बड़ी प्रिटी लग रही थी, मैं आपको दिखाती हूँ।
थोड़ा मैसी मैसी हो रखा है, अवॉइड करना। ये मैं लेके आई हूँ गोभी और मशरूम, मैंने सोचा बनाऊँगी। और ये तो बल्ब वगैरह जो कैफे में पड़े हुए थे, जो यूज ये धाठू में जो पहनती हूँ आजकल। और ये लाइट है, ये भी पुरानी है, ये भी पुरानी है, और ये न्यू लाइट है। मैंने सोचा यहाँ पे हम लगा देंगे, बट ये मैं थोड़ा यहीं पे लगाती हूँ, मुझे बड़ी प्रीटी लगी थी स्वान। यहाँ पे मैं कर रही थी सुबह की तैयारी, मैं आटा गूंद रही थी क्योंकि सुबह थोड़ा बिजी रहता है, तो मैंने सोचा अभी मैं गूंद के रख लेती हूँ। और फिर तो मैंने ऑफिस का भी काम करा तो मैं लेट हो गई। सो गाइस, रात के बज गए हैं 12 और मैंने अंजलि के कपड़े थे वो वॉश करे, थोड़े अपने कपड़े थे वो भी वॉश करे। उसके बाद मैंने नहाया, फिर खाना खा लिया एंड फिर डस्टिंग वगैरह करी, आटा भी गूंथ लिया सुबह के लिए, और मशरूम सुबह ही बनाऊंगी। एंड अभी बर्तन वगैरह बहुत सारे वॉश करने के थे, पता नहीं क्यों इतने सारे बर्तन थे, वो भी वॉश कर लिए। बस अब मैं सो जाऊँगी। उससे पहले मैं आपको लाइटिंग दिखाती हूँ, शायद मतलब मुझे तो ठीक लग रहा है, आप लोग कमेंट में बताना कि कैसे लग रहे। मैंने रूम में ही लगाई यहाँ पे अलमीरा के सामने, सो आप बताना। सो गाइस, कुछ इस तरह से वो लाइट को मैंने यूज़ करा है। वैसे बहुत सारी लाइट पड़ी है बट मेरे को लगा कि ये मिनिमल सा मैंने लगाया है, क्योंकि यहाँ बुद्धा जी भी है और गणेश जी की भी स्टैचू टाइप है और शिव भगवान जी भी हैं। एंड यहाँ पे एक कपल का ऐसे जो मैंने लिया था, और टेडी वगैरह और बुक्स भी है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा है। बट आप भी कमेंट में बताना कि अच्छा लग रहा है या नहीं। अगर बुरा लग रहा तो भी बताना और अच्छा लग रहा तो भी बताना, मुझे काफ़ी प्यारा लग रहा है। और जो मैं लाइट्स वगैरह जलाती थी ना, तो उसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है, तो मुझे बहुत कम लाइट पसंद है। इवन थोड़ी देर में तो इसको भी बंद कर लूँगी, बट अभी के लिए मुझे क्यूट लग रहा है।